जो काम पहले Xiaomi बाबा ने किया, आजकल वो काम हर एक मोबाइल कंपनी करती चली आ रही है, क्योंकि सबको चाहिए कस्टमर और कोई भी सेगमेंट नहीं छोड़ने वाली है। और कम टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई कंपनी Realme भी अब यही करने वाली है, क्योंकि अभी तक इन्होंने कर दिया कि यार जो मिड सेगमेंट वाले फोन है ना, यहां तो हमारा कब्जा हो चुका है, लेकिन उनसे जो छोटा वाला सेगमेंट है जहां पर आपको बउआ फोन मिलते हैं, मतलब छोटे वाले फोन मिलते हैं, वहां पर भी यार ये अपना कब्जा करने वाली है, क्योंकि Realme का एक A1 आने वाला है। अल्फाबेट में पहले A आता है और नंबर में पहले 1 आता है। और मैं आपको ये बता दूं, ये फोन आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल सकता है, 5 से 6 हजार के आसपास। लेकिन कुछ लीक आ चुके हैं और मुझे लगा कि यार आपको बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे यार कि क्या मिलने वाला है Realme के A1 में। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि यार Realme के A1 में आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है। और ये फोन आपको जो 2019 आने वाला है, मतलब आ ही गया है, उसके फर्स्ट क्वार्टर में आपको मिलेगा। और यहां पर आपको मिल सकती है 6.2 इंच की HD प्लस वाला डिस्प्ले होगा। मतलब यहां पर डिस्प्ले ठीक ठाक होने वाला है, लेकिन यहां पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच नहीं मिलेगी जो आपको Realme 2 Pro में मिलती है। लेकिन यहां पर आपको नॉच जरूर मिलेगी, वो भी छोटी वाली नॉच होगी, थोड़ी सी बड़ी नॉच हो सकती है, वाटर ड्रॉप नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो इनका डिजाइन होगा ना, वो यार इनके जो हर एक फोन में आपको मिलता है ना, पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन होगा। और क्या पता आपको पीछे की तरफ कुछ कटवट वाला कोई डिजाइन मिल जाए, लेकिन आपको पीछे की तरफ यहां पर आपको सिंगल कैमरा मिलने वाला है, डबल की उम्मीद मत करिए, मुझे ऐसा लगता है। और साथ में यहां पर जो सबसे बड़ी कटौती होगी वो होगी फिंगरप्रिंट। क्या पता आपको Realme के A1 में फिंगरप्रिंट ना मिले। और साथ में यहां पर आपको सिंगल कैमरा मिलने वाला है 13 मेगापिक्सल का। और यदि आपको सेल्फी लेनी है तो यहां पर आपको मिल सकता है 5 मेगापिक्सल का। लेकिन मैं Realme से एक गुजारिश ये करने वाला हूं कि यार 4K का ऑप्शन दे देना, हो सके तो EIS दे देना, हो सके तो यार जो डेप्थ वाली इमेज है ना वो अच्छी आ जाए। देखते हैं Realme कितना उम्मीदों पे खरा उतरता है। लेकिन यहां पर आपको जो बैटरी मिलने वाली है वो मेरे हिसाब से 3000 या तो 3500 mAh की मिलेगी। इससे बड़ी बैटरी मुझे नहीं लग रहा कि Realme आपको देने वाला है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है प्रोसेसर, Realme जितने फोन लाता है ना वहां पर प्रोसेसर में खेल जाता है। और हो सकता है यहां पर आपको मिल जाए MediaTek का Helio A22, और ये प्रोसेसर भी ठीक ठाक है। और यदि ये MediaTek में नहीं जाते तो आपको मिल सकता है Snapdragon का 430। और यदि आपको Snapdragon का प्रोसेसर मिल जाता है, MediaTek का प्रोसेसर मिल जाता है, इन दोनों में कोई एक मिलेगा तो आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक ठाक मिलेगी। हाँ, ऐसी नहीं कि यार आप बिल्कुल दबा के गेम खेल लें, बिल्कुल दबा के काम कर लें। मतलब Realme ये कहना चाहता है जितना हम प्राइस लेंगे उतनी चीजें आपको देंगे, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। और सॉफ्टवेयर में आपको यहां पर वही मिलेगा कलर OS और बेस जो होगा ओरियो पे होगा, क्या पता आगे जो पाई है उस पे हो जाए। लेकिन मेरे हिसाब से इस फोन में सबसे अच्छी चीज जो होनी चाहिए वो होना चाहिए प्राइस और साथ में कैमरा। यदि इसका प्राइस हुआ 5 से 6 हजार रुपए तो फोन अच्छा खासा चल सकता है और कहीं ना कहीं मार्केट में और जितने फोन हैं उनको टक्कर देगा। लेकिन जब ये फोन लॉन्च होगा तब पता चलेगा कि यार Realme ने क्या खेल खेला। लेकिन अभी के लिए मुझे जितनी बातें पता थी ना मैंने आपको बता दिया। वैसे आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, Realme के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि Realme ने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा काम कर दिया है, बहुत जल्दी ऊपर चढ़ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है भागते 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 Realme हम जैसे जो कंज्यूमर है उनको भूल जाए। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है ना और जो भी डाउट है वो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और यदि इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो और आपको मेरी शक्ल पसंद हो तो यार वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और एक चैनल में एक कहीं सब्सक्राइब का बटन होगा और एक घंटे का बटन होगा, यार प्लीज उसे दबा दोगे ना तो बार बार आपको मेरी शक्ल देखने को मिलेगी। और साथ में टेक्नोलॉजी की जितनी चीजें आती है ना वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि यार मैं डेली वीडियो बनाता हूं, बहुत सारी मेहनत करता हूं, ये तो आप बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।